ये जो इंदौरी जनता का जो जश्न देखा है आपने, हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत जो हीरो हैं इंदौर के, उनसे भी जानते हैं? डेफिनेटली सातवीं बार नहीं, मैं तो कहूँगा आठवीं बार, नौवीं बार, दसवीं बार, ग्यारहवीं बार, जब तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है ना तब तक नंबर वन हम आने वाले, और नहीं भी चलेगी तब भी नंबर वन आने वाले, क्योंकि यहाँ के निगम कर्मी जो है ना दिल से काम करते हैं, उनका सपोर्ट यहाँ के जो लोग हैं वो दिल से करते हैं, और जो कभी कोई काम दिल से होता है ना तो नंबर वन तो हमको आना ही होता है। और तो इस सम्मान के लिए अक्सर जो हकदार हैं वो यहाँ के निगम कर्मी हैं, एक एक कर्मी हैं जो दिन रात मेहनत करता है और इंदौर को साफ रखता है। इस बार साथ में जॉइंट, क्योंकि डेफिनेटली यार हमें तो ये कहना चाहिए कि एक ब्रांड एम्बेसडर इंदौर को बना देना चाहिए, क्योंकि इस रेस से हम ऊपर आ चुके हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर किसी और को लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा नंबर, क्योंकि ऐसे एग्जांपल सेट कर दिया है इंदौर ने कि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो हमें इंडिया के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एक पोस्ट पर रख देना चाहिए। ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति बने, हम ऐसे सम्मानजनक बने कि ताकि इंदौर क्या पूरा विश्व हमारे पास आए और इंदौर की छवि बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इंदौर हमेशा नंबर वन था, नंबर वन है और नंबर वन रहेगा। अगली बार की क्या तैयारी है? अगली बार की इससे भी जोरदार तैयारी कंप्लीट करके रखी है हम सब लोगों ने, और भी महिलाएं भी हमारे साथ। भाभी कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है इंदौर नंबर वन आने के लिए। हमारा इंदौर नंबर वन है और हमेशा इंदौर नंबर वन रहेगा, इंदौर बनेगा नंबर वन। ये देखिए आप इंदौर की जनता का उत्साह देखिए, बस इंदौर नंबर वन है, इंदौर नंबर वन रहेगा। ये थी इंदौर की जनता का जश्न, आप देख रहे हैं युवा भी हमारे साथ है, इस बार फिर इंदौर ने नंबर बाजी मारी है। जी हमें बहुत खुशी हो रही है, सबकी मेहनत है, टीम बेसिक्स की, एनजीओ की और सभी सफाई मित्रों की मेहनत से आज इंदौर नंबर वन आया है, और इन सभी जो टीम मेंबर दिख रहे हैं इन सभी टीम मेंबर की मेहनत से इंदौर नंबर वन आ गया है। लेकिन इस बार संयुक्त रूप से मिला है साथ में? जी संयुक्त रूप से इस बार साथ में मिला है, इस बार हमारे साथ सभी एनजीओज ने, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके इंदौर नंबर वन आया है। ये सभी लोगों की टीम मेंबरों की मेहनत है हमारी, जिससे इंदौर नंबर वन आज आया है। क्या मेहनत करेंगे अगली बार के लिए? सर जिस प्रकार से इस बार मेहनत की है उससे और अच्छी गुने से मेहनत करेंगे। मेरा नाम युवा गौरव कुमार है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे को इंदौर में अभी फ़िलहाल 3 से 3.5 महीने का अंतराल हुआ है। मैं यहाँ किसी काम से आया था, मैंने प्रोग्राम देखा, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने सर से बात की। सर आपका शुभ नाम? और मैं इस अवसर पर एक देशभक्ति पोयम सुनाना चाहता हूँ। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का वो जीवन न रवानी है, वो परवश होकर बहता वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन सही सही लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। स्वतंत्रता के खातिर अब तुम्हें बलिदान देना होगा, बहुत जीत चुके तुम जंग, आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी वीरों कटे शीशों से तुम्हारे ही गूंदी जाएगी। आज़ादी का संग्राम क्या पैसों पर लड़ा जाता है? ये सिर कटाने का सौदा है, नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहें ऊँची उठाकर सुभाष बोले, अजान बाहें ऊँची उठाकर सुभाष बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, कोसों दूर आज़ादी और इनकलाब के नारे गूंजते जाते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, बोले सुभाष वो आगे आए जिसमें हिंदुस्तानी खून बहता हो। सुबह से शाम हो गई, वीरों की लंबी कतार हो गई, हम आते हैं भारत माता के चरणों में रक्त हम बहाते हैं। वीर आते ही जाते थे वे चाकू छुरी कतारों से, वे अपना रक्त बहाते थे और उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। तारों ने उस दिन देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब भारत के वीरों ने रचा इतिहास नया। तो ये क्या सफाई को लेके इतनी बड़ी कविता जो आपने बनाई है, क्या आंदोलन सफाई को लेके भी ऐसा ही चलेगा? बिल्कुल सर, देखिएगा जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने सहयोग किया है, अगर इसी प्रकार से सहयोग करते रहे ईमानदारी से तो इस बार क्या हर बार नंबर वन आएगा। और मेरी एक गुजारिश है ज़रा सभी लोगों से कहने की,
कि जितने भी ये पान बराग और गुटखा वगैरह थाके जो थूकते हैं, जो भी आपको हल्का फुल्का जो इधर उधर मिलेगा वो यही मिलता है, अदरवाइज इसके अलावा आपको कुछ गंदगी नहीं। इस बार कुछ निराशा लगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी निराशा नहीं लगी। यहाँ पे इंदौर सिटी के सभी रहवासियों ने, व्यापारी बंधुओं ने और यहाँ तक कि बच्चों ने इंदौर को स्वच्छ नंबर वन बनाने में पूर्ण तरीके से सहयोग करा। जहाँ इंदौर पहले 2016 में जब स्टार्ट हुआ था, एक प्रकार का कचरा गाड़ी के अंदर डालता था, लेकिन धीरे धीरे हम इस पैगाम को आगे बढ़ाते गए। कितनी खुशी हो रही है आज, एक बार कितनी खुशी हो रही है आज। आप यहाँ पर लोगों का उत्साह देख सकते हैं, जिस प्रकार से डांस किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप जो यहाँ पर जो लोग हैं उनका उत्साह देख के ही आप समझ सकते हैं कि जो स्वच्छता का सातवां आसमान वापस से इंदौर ने लगाया है, इंदौर फिर से नंबर वन आया है, तो उत्साह देख के ही लगता है कि वापस से स्वच्छता जगमगाई है। इंदौर का 56 दुकान देखिए आप, सरापा देखिए, स्वच्छता आप देखते ही बनेगी और स्वच्छता में नंबर वन है। इंदौर की जनता है जिनका स्वच्छता को लेकर, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है आज, खुशी का मौका है। बहुत बहुत खुशी लग रही है, बहुत आभार है महापौर जी का और जितने भी जनप्रतिनिधि उन लोगों का व्यवहार है। और स्वच्छता जो मैडम दीदी है वो बहुत सहयोग करती हैं, सुबह जल्दी मॉर्निंग में आती हैं और सफाई करती है, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीदियों को भी और सभी इंदौर की जनता का भी। ये देखिए जनता इंदौर की बड़ी खुश है और एक और बड़ा सपना है ट्रैफिक को नंबर वन बनाने का। रंजीत हमारे साथ है, क्या रंजीत, सफाई में तो नंबर वन हम सातवीं बार आ गए हैं, अब ट्रैफिक के लिए क्या प्रयास किया जाए? डेफिनेटली सर, हम लोग हर जगह पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और ट्रैफिक में भी नंबर वन लाने की हमारी पूरी की पूरी मुहिम चल रही है। हमारे महापौर साहब, हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इसी मुहिम में लगे हुए हैं। जैसे कि आज हम थोड़ी देर बाद इसी मंच पर हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक नुक्कड़ नाटक खेलने वाले हैं, यहाँ पर हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि किस तरह हम शहर को नंबर वन पर ला सकें और किस तरह हम ट्रैफिक से जो जाम है या जो ट्रैफिक समस्याएं हैं उसको निजात पा पाएँ, लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए अवेयर करें। तो हम हर स्कूल, हर कॉलेज, हर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और यकीन मानिए ये मेरे इंदौर की नहीं पूरे देश की समस्या है, क्योंकि देश में हमारे 1.5 लाख लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। तो हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे एमपी में, जैसे कि हम एमपी पुलिस के लिए काम करते हैं तो पूरे एमपी में जाएं, और हम 8 स्टेटों में जा चुके हैं हम लोग काम करने के लिए, तो जहाँ से बुलाया जाता है हम ट्रैफिक के लिए काम करने तैयार हैं। बस ये है कि लोगों को हम ट्रैफिक से जगा पाएँ और लोगों के अंदर ये ठहराव ला पाएँ, जिस तरह डिसिप्लिन है स्वच्छता में, डिसिप्लिन है कचरा फेंकने में, उस तरह डिसिप्लिन हो रोड पे चलने के लिए, ये हमारा प्रयास है। तो ये थे रंजीत जिनका कहना था कि इंदौर को सफाई में तो नंबर वन बनाया, लेकिन हम इस बार इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर वन बनाएंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।